नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करने जा रहा हूं आपका मंथली हॉरोस्कोप 2020 का। इस मंथली फोरकास्ट का कोई लेना देना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं है। इस मंथली फोरकास्ट का कोई भी रेलेवेंस सन साइन प्रेडिक्शन के साथ नहीं है। इस मंथली प्रेडिक्शन का पूरा बेस भारतीय ज्योतिष शास्त्र है और आपकी चंद्र राशि आपका मून साइन है। आज का जो वीडियो है ये आपको एक तरह से रिमाइंड करवाएगा कि इस मंथली फोरकास्ट में हम डिस्कस क्या करते हैं। मंथली फोरकास्ट में हम बात करते हैं इस पूरे महीने की आपकी हेल्थ कैसी होगी, इस फुल मंथ की आपके एजुकेशनल करियर के हालात क्या होंगे, इस पूरे महीने में आपका इश्क मुश्क रोमांस मैरिज कैसी होगी, इस पूरे मंथ की आपकी करियर जॉब बिजनेस प्रोफेशन कैसा रहेगा, इस पूरे मंथ के अंदर आपका कंक्लूजन क्या होगा। और हर वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर पार्ट को देख भी सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम स्टैम्प्स लगा रखी है ताकि उस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देख सकें। और मंथली फोरकास्ट आप सभी के लिए है और पूरे मंथली फोरकास्ट को आप इसको एंजॉय तो करें और एंजॉय करने के बाद हमें सब्सक्राइब बनना ना भूलें, हमारे वीडियो को क्लिक देनी लाइक देना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी हमारे लेटेस्ट वीकली फोरकास्ट के बारे में, मंथली फोरकास्ट के बारे में, जो आने वाले सालों के ईयरली फोरकास्ट हम एडवांस पे बना रहे हैं उनके बारे में, जो चार प्रमुख ट्रांजिट होते हैं उनके बारे में जो हम चैनल पे डालते रहते हैं, शनि की ट्रांजिट, बृहस्पति की ट्रांजिट, राहु केतु की। लेकिन अगर आप इस पूरे मंथली फोरकास्ट का फुल वर्जन देखना चाहते हैं जिसमें इस मंथली फोरकास्ट के साथ फुल वर्जन में आपको मिलेगा सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लेके आएगा मंथ के अंदर, उसका पूरा कंप्लीट ट्रांजिट गोचर का फल, और पूरे मंथ के आपके उपाय क्या हैं, पूरे मंथ का आपकी प्रिकॉशंस क्या हैं, पूरे मंत्र की मंत्र साधना जो आपके लिए दी गई है। अगर ये सब कंप्लीट मंथली फोरकास्ट लेना चाहते हैं तो कृपया आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें prakashastrologer.com और पूरा मंथली फोरकास्ट ग्रहण करें। एरिज मंथ ऑफ जून का ही हेल्थ कैसी होगी मंथ ऑफ जून के अंदर। हेल्थ के मामले में ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी कई बार आपके पास एरिज आपके पास इस मंथ ऑफ जून के अंदर आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होगा, बॉडी में शार्प पेन होती रहेगी और कई बार ये नहीं पता चलेगा कि पेन हो क्यों रही है। नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एटीट्यूड से, टेंशन और डिप्रेशन से बच के रहें और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा ना करें, नहीं तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आ सकता है, पेट के ऊपर आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आएगा। एरीज आपको अपनी बैक का बहुत ध्यान रखना है, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखना है, टेंशन और डिप्रेशन से बच के रहना है। एरीज के लिए जून के लिए एजुकेशन कैसी होगी। एजुकेशन के मामले में ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के मामले में आप काफ़ी अच्छे होंगे और रिजल्ट भी अच्छे होंगे। और एजुकेशन अगर आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं है तब एजुकेशन आपकी सफ़र करेगी, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन का फील्ड मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, फाइनेंस है, आईटी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। एरीज रोमांस और रिलेशनशिप जून के अंदर कैसा होगा। मैरिज रिलेशनशिप के लिए ये पूरा मंथ ऑफ जून एरीज के लिए, ये पूरे मंथ के अंदर आपकी रिलेशनशिप के अंदर कई बार जो अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं पार्टनर से कई बार वो नहीं होगी, कम्युनिकेशन कई बार वैसी नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं, कई बार पार्टनर का रवैया आपके प्रति इतना अच्छा नहीं होगा और कई बार गैप होगा कम्युनिकेशन का आपस में, और कई बार फाइनेंस की वरी की वजह से भी रिलेशनशिप के अंदर कोई काफ़ी तल्खी होगी, उसको ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। एरीज जॉब प्रोफेशन करियर कैसा होगा मंथ ऑफ जून का। हार्ड वर्किंग तो आप हैं लेकिन ये पूरे मंथ के अंदर आप अपने मंसूबों को पूरा कर सकते हैं, करियर को लेके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपको मिलेंगे, लेकिन स्टेटस प्रेसिडेंट में आपकी राइज होगी।
अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे, ड्राइव को बिल्डअप करते रहेंगे, डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, आप अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं, कुछ भी अचीव करें। और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम के अगेंस्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और कई बार टाइम आपके साइड पर नहीं होगा, फोकस करना पड़ेगा, और आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नया वेंचर लेके आ सकते हैं, बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। बगैर हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, चाहे आप पार्टनरशिप में काम करो, चाहे इंडिपेंडेंट काम करें, और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके बन सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो। और ये जो पूरा मंथ है इसमें आपकी इंडिपेंडेंट आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, एफर्ट डाल के पैसे कमा सकते हैं, स्टेटस प्रेसिस में आपको राइज मिलेगी, नेम ऑफ फेम में राइज मिलेगी, लोग आपकी मतलब बलबूते आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल का लोहा मानेंगे, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, तरक्की आपकी होगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट भी करेंगे, करियर आपका सक्सेसफुल होगा, सक्सेस आपको मिलेगी, और प्लान्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपके शुरुआत होंगे, आप अपने प्लान्स को मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, जॉब और प्रोफेशन में राइज आपको मिल जाएगी। ये मंथ 2020 जून का आपके लिए प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके बनेंगे, वापस के ट्रैक पे भी आ जाएंगे, प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कम्युनिकेशन से आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई शुरुआत होंगी, स्ट्रगलफुल सिचुएशंस होंगी, लेकिन यही स्ट्रगल आपकी स्वीट सक्सेस का कारण बनेगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, और ये आप पे भी डिपेंड है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, आपको मिले, आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर भी है। बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, ऑफिशियल कॉम्प्लिकेशन भी होंगी, जिससे आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर एफर्ट के साथ लग्जरीज लाइफस्टाइल फेम अचीव कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं, आप सेटिस्फैक्शन लेवल तक सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस वेंचर के अंदर प्रॉफिट लेके आ सकते हैं, ऑल डिपेंड ऑन यू। और ये भी कहना चाहूँगा, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आप जितने डायनेमिक होंगे, जितने बहादुर होंगे, जितना एक्टिव क्रिएटिव होंगे, उतनी आपकी संपूर्णता होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान अपने फैमिली रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, जगर आपका फोकस जब नहीं होगा तो फाइनेंशियल लॉस तब होगा, और तब आप लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जानी है, लोग आपको रेगोनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बहुत यूनिक पोजीशन आपको मिलेगी, और फैमिली रिलेशनशिप के अंदर किसी तरह की शत्रुता ना लेके आए, पैसे बनाएं, पैसा कमाएं, मेहनत करें। जुपिटर और शनि, बृहस्पति और शनि का कम्बिनेशन दशा भाव में है, अगर सोच समझ के चलेंगे, फेम अचीव करेंगे और लीड करेंगे, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव पर्सन बहुत नाम होगा। अगर आपका बिजनेस कारों का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, बिल्डिंग मर्चेंट है, बहुत बहुत लंबी ऊंचाई तक जाएंगे, धन संपदा आप लेंगे, बहुत एक्टिव क्रिएटिव लोगों के लिए नाम पैदा करने का समय होगा, ऐसे लोग जो म्यूजिक के अंदर हैं उनका भी नाम होगा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने टेम्पर की आँच को कम करें, ज़ुबान पर लगाम रखें, और फैमिली रिलेशनशिप में लिसनिंग और पैशन लेके आए, अग्रेशन नहीं, रिपल्शन नहीं, और फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। फाइनेंशियल लॉस तब होगा जब आपका काम पे ध्यान ही नहीं होगा। अगर आप ज्वेलर हैं, डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, धन संपदा बनाने के मौके बहुत मिलेंगे, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग से बहुत कुछ आप सुलभ कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति का कम्बिनेशन है, मरकरी राहु ये जो कम्बिनेशन चल रहे हैं, इन पर थोड़ा काम करना ही पड़ेगा आपको, ताकि आपके फाइनेंशियल लॉसेज ना हो, कर्जे ना बने, घर में सुख शांति रहे। उपाय पद्धति से आप अपने ग्रहों को स्थिर कर सकते हैं, अपने ग्रहों को ऊपर कमांड कर सकते हैं, शनि बृहस्पति पे और मरकरी राहु पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि फाइनेंशियल लॉसेज ना हो, प्रोफेशनल लॉसेज ना हो, हेल्थ का इशू ना हो, और फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई बिटरनेस पैदा ना हो, इस पर थोड़ा काम करना होगा। पूरी रिपोर्ट आप ले सकते हैं मंथली मंथ ऑफ जून की, वेबसाइट पर जाएँ, पूरी रिपोर्ट लें, और जिसमें बहुत डिटेल में आपकी रिपोर्ट है, पूरे उपाय हैं, क्या आपको नहीं करना प्रिकॉशन के तौर पर, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, सब बताया गया है।
एरिस टास प्रिकॉशन चैंटी कैसे होगी जून के अंदर? पहला, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। दूसरा, 2 किलो प्योर घी धर्मशाला लंगर में दान करें। तीसरा, मनी एंड फूड ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें। मनी एंड फूड ब्लाइंड स्कूल बार बार डोनेट करें। चौथा, 3 किलो होल मूंग पानी में भिगोनी है ट्यूजडे वाले दिन। बर्ड्स को फीड करें वेडनेसडे वाले दिन। हल्दी पाउडर और राइस धर्मशाला लंगर में दान करें। और एरिस के लिए प्रिकॉशन क्या है? फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें, फाउल टेम्पर से बच के रहें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना दिखाएं, आर्गुमेंट से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें। एरिस मंत्र साधना जो आपको लेके आनी होगी, हलरीम भूर भावे स्वहे, हलरीम तत्सवितुर्वर्णेयम, हलरीम भर्गो देवस्या धीमहि, हलरीम धियो जो न प्रचोदयात, हलरीम। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की आपकी। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके? अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतजार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।